मेरा नाम त्रिवेणी आचार्य है। मैं रेस्क्यू फाउंडेशन एनजीओ के प्रेसिडेंट हूँ। हमारी संस्था मानव तस्करी से लाई गई बच्चियाँ और महिलाओं को अनैतिक देह व्यवसाय से मुक्त करवा के उनका पुनर्वसन करती है। हमारे 4 पुनर्वसन केंद्र है, मुंबई, दिल्ली, पुणे और बोईसर। यहाँ पे रेस्क्यू होके जो बच्ची और महिलाएं आती है उनका हेल्थ केयर, लीगल काउंसलिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन, जॉब ट्रेनिंग और उनका पुनर्वसन तक हमारी संस्था उनको हेल्प करती है। जो घर नहीं जाना चाहती है उसको काम पे लगा के उनके लिए ग्रुप होम चलाना, वर्किंग वुमन हॉस्टल में भेजना, वो सब काम हमारे इस संस्था करती है। और जो दूसरे देश से हमारे इंडिया के अलावा नेबर कंट्री से भी बहुत सारी लड़कियां हमारे यहाँ पे आती है, नेपाल, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, म्यांमार, उस जो भी लड़कियां दूसरे देश से आती है इलीगल माइग्रेंट होके बिना पासपोर्ट वीज़ा, या तो यहाँ पे उनका पासपोर्ट छीना गया है और उसके पास कोई सहारा नहीं है, तो हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, हम पुलिस के साथ काम करते हैं, उनको वापस उनके देश भेजने के लिए उनका वन वे ट्रैवल परमिट करवा के फिर उनके देश हम भेजते हैं। तो हमारी संस्था इन्वेस्टिगेशन से लेके उनका पुनर्वसन तक के काम करती है। सौराष्ट्र के जामनगर में मेरा एजुकेशन हुआ, मेरी शादी भी बहुत बचपन में हो गई थी कि उसके बाद मैंने मास्टर तक पढ़ाई किया। मैं मुंबई आई और मुझे एक गुजराती न्यूज़पेपर गुजरात समाचार में जॉब मिल गई। ये काम की शुरुआत एकदम अचानक हो गई। पत्रकार बनने का एक जुनून था, कुछ क्रांति करनी है ऐसा था कि टीचर नहीं बनना है लेकिन कुछ तो बनना है। लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ जो चेंजिंग गियर हो गया मेरी लाइफ का। 1993 में जब सेक्स वर्कर से राखी बंधवाने जाने वाले थे और हमारे एडिटर ने बोला कि कल एक सुबह में रक्षाबंधन का प्रोग्राम है तो कोई चले जाओ, तो मेरे जो जेंट्स कलीग थे वो बोले हम इतने सुबह नहीं जाने वाले हैं, तो मैं बोली मैं जाऊंगी, तो वो लोग हंसने लगे, अरे लड़कियों के बदनाम गलियों में जाएगी, तो मैं बोली हाँ उसमें क्या है, मुझे देखना है कि एक्चुअली क्या है रेड लाइट एरिया। तो मैं वहां पे गई और सुबह 8 बजे का टाइम था, सेक्स वर्कर राखी बांध रहे थे कमाठीपुरा के गली के नाके पे, और तभी एक कोठे पे गई जहां पे लड़कियां सोई थी और लकड़े की केबिन थी, वो लड़कियां छोटी छोटी थी। तो मैंने बोला कि आप क्या करते हो, आपकी मम्मी सेक्स वर्कर है? तो बोले नहीं हम इधर गंदा काम करते हैं, और रोने लगी लड़की। तो मैं बोली क्या हुआ, तो बोले कि हमारे माँ बाप नेपाल में हैं, किसी ने हमें किडनैप करके यहाँ लाके बेच दिया है और हमारे पास ये वेश्या व्यवसाय करवाया जाता है। तो मैं बोली कि भाग जाओ यहाँ से, तो बोले हम नहीं भाग सकते क्योंकि गली के नाके पे जो गुंडे बैठे हैं, जो पिम्प्स बैठे हैं, हमने भागने की कोशिश किया, उन्होंने हमें पकड़ लिया और उसके बाद हमारे साथ इतना अत्याचार हुआ कि अभी तो हमारी कोई हमारे में कोई हिम्मत ही नहीं रही है। मैं बोली ठीक है मैं आपको टिकट करवा के मैं आपको आपके रेलवे स्टेशन छोड़ने आऊंगी। और अब मैं जब बात कर रही थी तभी वहां पे प्रोग्राम पूरा हो गया और घरवालिया वो सब वापस आए और मुझे पूछे कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैं बोली मैं पत्रकार हूँ और ऐसे ही बात कर रही हूँ कि, तो बोले जाओ 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 यहाँ पे सिर्फ आदमी आते हैं, आप यहाँ से चले जाओ। ये मोब आ गया और मैं वहां से निकल गई, लेकिन वो लड़कियों को बोली कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी। मुझे उस दिन बहुत रोना आ रहा था क्योंकि मेरी जर्नलिज्म की कैरियर में मैं रोज रेप का न्यूज लिखती थी, लेकिन दूसरे दिन वो भूल जाते हैं, दूसरे दिन बासी हो जाता है। लेकिन ये रात तो मैं सो नहीं पाई और मेरे हस्बैंड के पास मैं रोने लगी कि वहां पे ना कमाठीपुरा में बहुत सारी लड़कियां छोटी छोटी है और मैं कुछ नहीं कर पाई। तो बोले कि अरे ये बात मैं तेरे से करने वाला था, तुझे टेलीपथी हुई, क्योंकि मेरे शॉप में एक जो लड़का काम करता है बंगाली, वो कोई लड़की को प्यार करता है लेकिन वो लड़की सेक्स वर्कर है। तो बोले मैं ये बात तेरे से 2-3 दिन से सोच रहा था करने के लिए, लेकिन आज कर रहा हूं,
लेकिन मैं बोली कि मुझे मालूम नहीं है एक्चुअली उसकी प्रोसीजर क्या है, उसका कानून क्या है वो भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि एक ह्यूमन राइट होता है, अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से वहां नहीं रहना चाहती है तो वो अपने आप पुलिस को कंप्लेन कर सकती है या बाहर निकल सकती है, लेकिन ये हम कुछ करेंगे। और तभी वो ही रात को डिसाइड कर लिया कि इनके लिए करना है। सोचा था एक लड़की को रेस्क्यू करके उसकी शादी करवा देंगे, लेकिन ये बाकी की लड़कियां नहीं रहना चाहती है और पुलिस बोल रही है कि आप एक को लेने आए हो ना, एक को लो और चलो। तो हमने बोला कि एक को क्यों, बाकी की लड़कियां जो है वो भी नहीं रहना चाहती है, वो अपनी मर्जी से ही यहां से बाहर निकलना चाहती है। तो फिर सबको पुलिस स्टेशन लेके आए, उनकी डायरी किया और मुझे बोला कि आपको समाज सेवा का बहुत भूत चढ़ा है ना, लेके जाओ अपने घर पे। और वो लड़कियां सबको हम अपने घर पे लेके आए। घर पे लेके आने के बाद फिर क्वेश्चन मार्क के अभी क्या करेंगे, क्योंकि लड़कियां को पूरा पता भी नहीं था कि अपना घर एग्जिट कहाँ है, नेपाल में है, वहां पहाड़ है, वहां नदी है। तो फिर वो 15 लड़कियों को लेके हम नेपाल गए और फिर वहां पे कोई लड़की के फैमिली मिल गई, उसका घर मिला, उसके माँ बाप तो बहुत खुश हुए, हमको हार पहनाया, वो बोले हमको लगा कि हमारी बेटी मर गई होगी। तो वहां पे हमें मिक्स अनुभव हुए, 3 लड़कियों का घर पे दिया, बाकी की 12 लड़कियां लेके हम फिर वो गांव से काठमांडू आए। फिर वहां पे एक माइती नेपाल नाम की संस्था थी, उनको हमने हैंड ओवर किया और तभी हमने तय कर लिया था कि हम काम करेंगे। लेकिन मेरे पति थे वो बिजनेसमैन थे, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी और मैं पत्रकार थी, तो तभी एक डिसाइड किया कि बहुत लोगों के लिए काम करते हैं, ब्लाइंड के लिए, हैंडीकैप के लिए, कैंसर पेशेंट के लिए, लेकिन कोई सेक्स वर्कर के लिए काम नहीं करता है, तो क्यों ना हम इनके लिए स्टार्ट करें। तो 1999 में रिबोक कंपनी ने रिबोक ह्यूमन राइट अवार्ड $1,00,000 का डिक्लेयर किया और वो लोग ने हमें ढूंढ निकाला, इसीलिए हमने अपनी संस्था रजिस्टर करवाई और रेस्क्यू फाउंडेशन जो $1,00,000 का हमें अवार्ड मिला। तो हम जो घर में रखते थे लड़कियां को, फिर हमने 2000 में एक छोटी सी जगह लिया कांदीवली में और वहीं पे 100 कैपेसिटी का एक शेल्टर होम बनाया। तो 2000 के साल तक तो कोई कानून कार्यवाही नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद फिर पूरा एक प्रोसीजर शुरू हुई। उसके लिए इमोरल प्रिवेंशन ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत हम पुलिस के साथ जाके रेड प्लान होती थी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन, और फिर पुलिस केस होता था वहाँ पे, उनके पास जो धंधा करवाने वाले मैनेजर है, ओनर है, उसको अरेस्ट करवाना, और पूरी प्रोसीजर के साथ काम शुरू हुआ। आज तक हमने 5000 से भी ज़्यादा बच्चियाँ और महिलाओं को रेस्क्यू किया है जो ऑन पेपर है, लेकिन 15000 से ज़्यादा बच्चियों और महिलाओं को हेल्प किया है। समझो कि कोई पुलिस केस बनने से पहले ही रेस्क्यू हो जाते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन नेटवर्क इतना बड़ा है। हमारे लिए तो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे नेबर थे, हमारे रिश्तेदार थे, लेकिन और भी चैलेंज होती थी जो कि हम जहाँ पे भी काम करते वहाँ पे जो लोग का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है और करोड़ों में जुड़ा हुआ है, उनको हम इतना लॉस कर रहे थे। तो हमें बहुत तरीके से हमें वो लोग ने परेशान करना शुरू किया, प्यार से भी किया, हमको रिश्वत भी भेजी, हमको थ्रेटिंग कॉल भी आए, हमको लेटर भी आए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने बोला हाँ, हम ये काम करेंगे ही करेंगे। मेरे हस्बैंड एक रेस्क्यू ऑपरेशन करके आ रहे थे और उनका मर्डर करवा दिया, हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में आज भी वो एक्सीडेंट ही है, लेकिन मुझे मालूम है कि इन इतने थ्रेटिंग कॉल आते थे। और ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन से अगले दिन ही एक लेटर आया था और उसके अंदर लिखा था कि ये फूल है जो हमारे साथ दोस्ती का बढ़ाओ, नहीं तो फिर ये आपके अर्थी पे ये फूल चढ़ेगा। तो मैं बोली ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। लेकिन तो इस तरह से बहुत सारी चैलेंज हमारे सामने आई है, हमारी टीम के ऊपर बहुत बार हमला भी हुआ है, हमारे यहाँ पे मास रिजाइन किया है लोगों ने, क्योंकि 4-5 साल पहले भी हमारी टीम के ऊपर
हमारे जो स्पाई है उनके ऊपर हमला हुआ था और वो आईसीयू में गए थे, इतने सीरियस उनके ऊपर होकी और पाइप से वार किया था। मर्डर भी हुए है मीरा रोड में। हम रेड लाइट एरिया में एंट्री करते हैं उससे पहले वहां पे लाइटें बंद हो जाती है क्योंकि वो लोग ने बाहर भी सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है और पुलिस मुझे रेड में ले जाने के लिए मना करती है, बोले कि आपका चेहरा फेमस है। तो हम लोग भी वो जिस तरह से अपनी एक्सपर्टी यूज करते हैं उस तरह से हम भी अपनी एक्सपर्टी यूज करते हैं। तो हमारे इतने साल का अनुभव है और हमारे पास भी बहुत एक्सपर्टी है कि हमें इन्फॉर्मर चेंज करना है, हमें डेको कस्टमर चेंज करना है, हमें कार चेंज करनी है, हमें अपनी रेस्क्यू टीम को चेंज करना है। तो इस तरह से हम भी कर रहे हैं। सबसे पहले उनका लिटरेसी क्लासेस शुरू होता है, फिर हमारी संस्था एक चाइल्ड वेलफेयर कमिटी से ऑर्डर लेती है राइट टू एजुकेशन। वो ऑर्डर के आधार पे उनको स्कूल में एडमिशन मिलता है। कोई लड़की बोलती है कि बस मुझे पढ़ना लिखना पैसा गिनना आ गया, मुझे आगे की पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे कुछ हुनर सीखना है, कुछ आर्ट सीखना है, तो उसके लिए भी हमारे पास आर्ट क्लासेस होते, क्राफ्ट क्लासेस होते। लास्ट लॉकडाउन में हमें एक हमने प्रोजेक्ट बनाया एकत्र, क्योंकि जब लास्ट ईयर कोरोना स्टार्ट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, तो हमारा जो स्टाफ थे टीचर वो सब लोगों ने आना बंद किया। तो फिर इतनी सब लड़कियों को कौन पढ़ाएगा, तो लड़कियों ने बोला कि हम पढ़ाएंगे, तो वो लोग ही टीचर बने। सुबह में जुम्बा योगा होता है, डांस क्लासेस होते हैं, वो सब हमारी लड़कियां सिखा रही है। वो लड़कियां खुद अभी जो प्रोडक्ट बना रही है, वो लोग ने फैशन डिजाइनिंग भी सीखा है, तो कॉस्ट्यूम बनाते हैं, फिर बैग बनाते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें बना रही है। उसका मार्केटिंग कैसे करना वो भी वो सीख रहे हैं, बिजनेस कैसे चलाना, कंप्यूटर सीखी है लड़कियां। आज हमारी चीफ अकाउंटेंट हमारी सर्वाइवर है और हमारी यहाँ से जो बाहर गई है लड़कियां वो आज ऐसा ही एनजीओ चला रही है और आज हमारी रेस्क्यू टीम को लीड कर रही है हमारी लड़कियां। पूरे शेल्टर में काउंसलिंग से लेके हर एक चीज वो कर रही है। हमारी हाउस मदर भी हमारी सर्वाइवर है। तो ये आगे की जो फ्यूचर में है कि संस्था अगर मैं मर गई तो क्या होगा, लेकिन मेरे पीछे 100 लड़कियां है जो कि ये संस्था को कंटिन्यू करेंगी। और मैं तो ये चाहती हूँ कि ये संस्था ना हो, क्योंकि कोई अत्याचार ही ना हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग ना हो। मैं ये आशा करती हूँ कि रेस्क्यू फाउंडेशन आगे जाके उनको बहुत बड़ा बने, वैसा मैं नहीं चाहती हूँ। रेस्क्यू फाउंडेशन बंद हो जाए वो मैं चाहती हूँ, क्योंकि फ्यूचर में मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी बच्ची ऐसे ट्रैफिक हो या सेक्सुअल एब्यूज हो। और मैंने कभी उसको नहीं बोला कि मुझे माँ बोलो, लेकिन मैंने जब बेटा बोला है, वो लड़की ने सामने से बोला है कि माँ, आप हमारी माँ हो। तो अभी सब जो भी लड़की आती है वो सब माँ बोलती है। इसमें बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं 500 बेटियों की माँ हूँ। अगर कहीं पे भी संदिग्ध हालत में बच्ची या बच्चा दिखाई दे तो वो हमारी संस्था को इन्फॉर्म करे, पुलिस को इन्फॉर्म करे, चाइल्ड लाइन को इन्फॉर्म करे, क्योंकि हम चाइल्ड लाइन, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट सबके साथ काम कर रहे हैं। और जहाँ पे भी हमें चाइल्ड लेबर की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम वहाँ पे भी जाके काम करते हैं। कहीं पे भी बच्चा कोई भी मुसीबत में है तो हम उनको हेल्प करते हैं। तो हमें हमारी संस्था को इन्फॉर्म करें। आप यूथ चेंज मेकर हो, आप चाहोगे तो ये परिस्थिति बदल सकती है। मैं युवाओं को अपील करती हूँ कि आप सेक्स की डिमांड मत करो, क्योंकि डिमांड है इसीलिए सप्लाई है। और ये जो भी सेक्स इंडस्ट्रीज में बच्चियां आती है वो किडनैप होके आती है या मजबूरी से आती है। मैं लड़कियों को भी ये अपील करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया में भी आप बहुत प्रिकॉशन लेके करो, क्योंकि आजकल लड़कियां सोशल मीडिया के थ्रू भी फंस रही है। मेरा नाम त्रिवेणी आचार्य है और ये मेरी कहानी है। मैंने अपनी कहानी तो बता दी, अभी आपकी जिम्मेदारी है कि इसमें आप साथ दें।